ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं किसी भी इटरेशन को स्टॉप करने के लिए, जैसा कि हमने यूज़ किया था स्विच स्टेटमेंट में। स्विच में हम लोग एक केस एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं ब्रेक। उससे क्या होता था कि वो केस के स्टेटमेंट्स जितने भी होते थे वो एग्जीक्यूट होते थे, और उसके बाद वो इटरेशन जो है वो ब्रेक होके, मतलब खत्म होके लूप से बाहर आ जाता था। मीन्स वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता था। तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी इटरेशन को या फिर प्रोग्राम कंट्रोल को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, द ब्रेक इज अ की वर्ड इन सी विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ब्रेक क्या है? एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल से बाहर लाने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सके कि तब हम लोग जब हम लोग को रोकना है, ठीक है, कोई ऐसा हम लोग को कंडीशन लगाना है वहां पे कि हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहां पे रुक जाए, या फिर जो कंट्रोल है वो रुक जाए, या फिर जो इटरेशन हम लोग वहां पे यूज करें, लूप हो गया, स्विच केस हो गया, तो वो रुक जाए वहां पे। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा लूप्स में यूज होगा या फिर स्विच स्टेटमेंट में ही यूज होगा। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप वन बाय वन, दैट इज इन द केस ऑफ द नेस्टेड लूप इट ब्रेक्स द इनर लूप फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू द आउटर लूप्स। ठीक है, अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी नेस्टेड लूप में हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहले वो इनर लूप को ब्रेक करेगा। अगर बाहरी लूप में भी हम लोग लगा के रखे हैं ब्रेक स्टेटमेंट, तो वो उस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करने के वाले बाद बाहरी लूप को भी वो स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो इनर लूप को ब्रेक करेगा, देन उसके बाद आउटर लूप को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, या फिर आउटर लूप में हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है तो आउटर लूप जो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी कैन बी यूज इन द फॉलोइंग टू सिनारियोस। ठीक है, फर्स्ट है विथ स्विच केस, सेकेंड है विथ लूप। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में कुछ नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ब्रेक लिखना होता है और सेमी कॉलन लगाना होता है। ठीक है, हम लोग कहीं पे भी उसको लिखें, लूप में या फिर स्विच केस में, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वहां पे ब्रेक लिखना होता है और साथ में सेमी कॉलन लगाना होता है। इसका यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है छोटा सा, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ ब्रेक इन सी, हम लोग कोई भी कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन विद इन लूप। ठीक है, कंडीशन विद इन लूप मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि अगर मान के चलिए कि हम लोग ने एक लूप चलाया है जो 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। ठीक है, और हमने उसमें लगाते हैं जैसे ही लूप की वैल्यू 5 होगी लूप खत्म हो जाना चाहिए, मतलब आई इक्वल टू 5, देन उसके बाद ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो वैसा हम लोग कंडीशन देंगे। ठीक है, लूप के अंदर हम लोग ने कंडीशन दिया, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ब्रेक हो जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वापस से जैसा लूप चल रहा था वैसा चलते रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ब्रेक काम करता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 1 to 10, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी 0 से लेके 9 तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉइड मेन, सबसे पहले हम लोग एक इंट आई वेरिएबल ले लिए जो कि हम लोग लूप के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल एक यूज करते हैं। हम लोग ने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। इसका मतलब क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन 10 है मतलब वो कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, मतलब 0 to 9 हम लोग का लूप चलने वाला है। और आई प्लस प्लस हम लोग ने लिखा है मतलब वो सिंगल स्टेप चलेगा, आई प्लस वन मतलब +1 +1 करते जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट है परसेंट डी और आई, आई की वैल्यू हम लोग इस लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन दे दिए, इफ आई इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू फाइव, देन उसके बाद हम लोग लिख दिए ब्रेक। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रेक लिख दिया, मतलब इस लूप के इटरेशन से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके लास्ट में हम लोग यहाँ प्रिंट करें, केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू परसेंट डी, और आई आई की वैल्यू लेटेस्ट जो रहेगी वो प्रिंट कर देगा। मीन्स आई की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5, केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ब्रेक स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ब्रेक स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h void main, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, और लास्ट में हम लोग गेट सी एच लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाना है int i, जो हम लोग लूप में यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर, और लूप को हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, 0 से लेके 10 तक चलाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सिंगल स्टेप हमारा लूप चलने वाला है। और कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके 10 तक चल रहा है, मीन्स लेस देन 10 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो 0 to 9 तक चलेगा, 10 टाइम्स लूप चल रहा है इंक्लूडिंग 0। 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। जैसी लूप की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू परसेंट डी कॉमा आई। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे इफ, कंडीशन हम लोग इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे। कंडीशन में हम लोग लिखेंगे जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, आई इक्वल टू 5, तो हमारा लूप जो है वो रुक जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हम लोग लिख देंगे उसके लिए ब्रेक। ठीक है, ठीक है, स्टॉप्स द इटरेशन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले कर लेते हैं इस फॉर लूप के बाहर में, ये फॉर लूप का ब्रैकेट है, इसके बाहर में हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ परसेंट डी हम लोग लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू परसेंट डी कॉमा देके मैं यहाँ लिख दूंगा आई। आई की जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगी, आई की वैल्यू लास्ट में 5 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लूप है वो आई इक्वल टू 5 में ब्रेक हो रहा है, मतलब वहां पे खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, आई की वैल्यू 5 मिलनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके,
मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेक डॉट सी, मैं करता हूँ ऑल्ट प्लस एफ नाइन, ऑल्ट प्लस एफ नाइन से कंपाइल कर लिया, कंट्रोल प्लस एफ नाइन, एक एरर आया। क्या एरर आया? प्रिंट इन द मॉड्यूल, ओके, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग ने लिखना है। वापस से सेव किया, यस किया, कंट्रोल प्लस एफ नाइन किया, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जैसे ही आया लूप ब्रेक हो गया, और वहां प्रिंट किया केम आउटसाइड आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है।